गुजरात में एवरी ईयर मैं कहूँ तो 100 से ज़्यादा वर्कर्स मरते हैं। तो हमने सरकार को बोला कि सबको जो है 2 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा है। बोर्ड कहती है कि भी जो बोर्ड के रजिस्टर्ड मेंबर है, बेनिफिशियरी मेंबर है, उनको ही ये लाभ मिलेगा। आज प्रॉब्लम यह है कि इस कानून में एक ऐसा प्रोविज़न है कि भाई 90 डेज वर्किंग डेज आपका लास्ट 12th मंथ में जो होता है, आप प्रूव करेंगे कि मैंने 90 डेज कंस्ट्रक्शन पर काम किया है तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 90 डेज के लिए हमें ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है, जैसे कि दूसरे स्टेट ने किया है। आज ट्रेड यूनियन को ऑथोराइज नहीं किया है तो दूसरे जो ऑथराइज पर्सन जो है वो गवर्नमेंट लेबर ऑफिसर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है, गांव के तलाटी का मंत्री है, मामलतदार है, ऐसे लोग हैं। लेकिन ये जो है लोग उनको कोई सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करते। उसकी वजह से गुजरात में 15 लाख में से अभी तक टोटल 70,000 लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और लाइव मेंबर तो 5,000-6,000 से भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एवरी ईयर उन लोगों को रिन्यू करवाना पड़ता है। जो रिन्यू नहीं होता है तो फिर ये कोई बेनिफिट बोर्ड का उनको मिलता नहीं है। तो क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है तब जो है उन लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारी ये है कि भाई आपके पास 450 करोड़ पड़े हुए हैं तो फिर आप एक ऐसा ठहराव कर दीजिए, एक रेजोल्यूशन पास कर दीजिए कि भाई चाहे बोर्ड के मेंबर हो या ना हो, कोई भी कामदार का साइट पे अकस्मात में उनका डेथ होता है तो उनको तुरंत 2 लाख रुपये मिल जाए। क्या प्रॉब्लम है? कर्नाटक स्टेट ने ऐसा किया है, हरियाणा स्टेट ने ऐसा किया है, तो गुजरात में करने में क्या हो जाए, नहीं करने का कारण क्या है? मुझे लग रहा है कि ये सब जो नीति है गवर्नमेंट की, उससे वो स्पष्ट ये दिखाई देता है कि गुजरात जो है श्रमिक के लिए प्रोएक्टिव कुछ कर नहीं रही है। दूसरी मैं बात बताऊँ, कंस्ट्रक्शन के अलावा आज गुजरात में जितनी भी फैक्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, या उससे थोड़ा बड़ा जो कि कारखाना वगैरह जो इधर हमारी JDC में लोग काम करते हैं, बाहर से मजदूर आते हैं, गुजरात में करीब 60 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं। तो ये लोगों की आप वर्किंग कंडीशन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि गुजरात में लेबर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति बहुत ख़राब है। इसलिए इधर 12 घंटा लोग काम करते हैं और उसके बाद उनको मिनिमम वेजेस मिलता है, एक्चुअली 8 घंटे काम करने में उनको मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। दूसरी बात, फैक्ट्री एक्ट का इम्प्लीमेंट करने वाली जो ये डिश है, डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ, उनके पास जो है 50% अधिकारियों की कमी है। इसी प्रकार लेबर लॉज जो है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, ऐसे जितने भी लेबर लॉज है, बोनस एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लेबर कमिश्नरेट जो ऑफिस है उनके पास भी जो है 50% स्टाफ की कमी है। इसलिए क्या होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो लेबर ऑफिसर होता है उनके पास दूसरे का चार्ज होता है, तो एक दिन इधर बैठता है, एक दिन इधर बैठता है। तो जहाँ आपके पास पूरा स्टाफ नहीं है लेबर लॉज के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो वहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होगा? बेरावल की बात मैं करूँ, अभी मैं दूसरी बात, ये मुद्दा लायत मैं आपको बताता हूँ कि हमारा वेलफेयर बोर्ड का इसमें मेंबरशिप होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए नज़दीक की तालुका ऑफिस में उनको जाना है, वहाँ रजिस्टर करवाना है। वेरावल में हमारे लोग जा रहे हैं तो वहाँ अधिकारी नहीं मिलती है, बोलते हैं कि आज उनका उनका जो इधर आने का बारी जो है मंडे को है, कोई बोलता है थर्सडे को है। तो सवाल ये है कि आप गरीब मेला करते हैं, वहाँ चेक इश्यू करते हैं, लेकिन ऐसी सिस्टम नहीं डेवलप करते कि जहाँ मजदूर अपनी जिस प्रॉपर कचहरी है, ऑफिस है, वहाँ उनको सब बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं कर रहे। तो मुझे लग रहा है कि ये 100 ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे एक दूसरी बात थी कि मानो कि आप ऐसा अपना सर्कुलर निकाला है कि एक डिपार्टमेंट से जो पैसा ले रहे दूसरा ये सेम जो बेनिफिट है इस डिपार्टमेंट से नहीं, आप नहीं ले सकते, ठीक है चलो, लेकिन ये पैसा जो है वो सरकार का पैसा नहीं है, ये सेस जो आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर से आ रहा है, बिल्डर से आ रहा है, और हमारा वर्कर्स का भी कंट्रीब्यूशन है, ये पैसा तो गवर्नमेंट का है नहीं। तो ये पैसा जो गवर्नमेंट का नहीं है तो गवर्नमेंट अपने इस पैसों पर अपना कोई दावा कर सकती नहीं, ये दावा नहीं करना चाहिए, वो ग्रांट इन एड नहीं है। जहाँ ग्रांट इन एड होता है वहाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो मजदूर का पैसा मजदूर के लिए खर्च करना है। तो बात यह है कि सरकार मजदूरों का भी पैसा है, इनमें से भी कटौती
कर रही है, तो दूसरे पैसे देने की बात कहाँ से आएगी। और जहाँ तक बात हुई है इधर शहर में, आज भी बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है। इस बार उनके बजट में जो है सरकार ने बोला है कि हम मोबाइल मेडिकल वान जो रखेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब होगा तब। आज भी जो है बच्चे कंस्ट्रक्शन साइट पे मरते हैं। आप कहीं जाएंगे तो पता चलेगा कि एक भी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्रैश फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनके माँ बाप वर्क साइट पे काम करते और बच्चे जो है धूल मिट्टी में और वहाँ खेलते रहते हैं और वहाँ मर भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत खराब है।